Let's start our class. Class 5th subject SST. Previous lecture में हमने आपको chapter 6 explain कर दिया था और chapter 6 का book and copy work भी complete करवा दिया था. आज हम लोग start करेंगे chapter 7. Chapter 7 का name है the temperate zone. तो आज हम लोग temperate zone के बारे में study करेंगे. When we talk about grassland that are also treeless, we see such part of the world that have an external climate in which summers are hot and winters are cold and the rainfall is also in less quantity. We find only tall grasses in such regions. जब हम ग्रासलैंड के बारे में बात करते हैं तो जो ग्रासलैंड होते हैं वो ट्रीलेस होते हैं. तो हम वर्ल्ड के ऐसे पार्ट को देखते हैं जिनमें अधिक क्लाइमेट होती है, जिनमें समर हॉट एंड विंटर जो होती है वो कोल्ड होती है और यहाँ रेनफॉल भी लेस क्वांटिटी में होती है. हम ऐसे रीजन में ओनली टाल ग्रासेस को ही पाते हैं. ग्रासलैंड्स हैव वेरी रिच सॉइल्स बिकॉज ऑफ दिस मेन रीजन लार्ज अमाउंट ऑफ द ग्रासलैंड ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन कन्वर्टेड टू फॉर्म्स फॉर ग्रोविंग फूड. और हम ऐसे रीजन में ओनली टाल ग्रासेस को पाते हैं. ग्रासलैंड में बहुत रिच सॉइल होती है. इस मेन रीजन के कारण वर्ल्ड भर में ग्रासलैंड की लार्ज अमाउंट को ग्रोविंग फूड के लिए खेतों में चेंज कर दिया जाता है. Trees and high mountains are hardly seen here. Trees and bushes are seen in warm and dry places where there is too little rain for forest but enough rain to stop the land from turning into a desert. Tree and high mountains को यहाँ पर कठिनाई से देखा जाता है. ट्री एंड बुशेस को वार्म एंड ड्राई प्लेसेस पर देखा जाता है. जहाँ फॉरेस्ट के लिए बहुत कम रेनफॉल होती है, यहाँ पे जो फॉरेस्ट होते हैं उसके लिए बहुत कम रेनफॉल होती है. बट लेकिन लैंड को डिजर्ट में टर्न करने के लिए, लैंड को डिजर्ट में चेंज करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में रेनफॉल होती है, बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे बारिश होती है, जिससे कि जो लैंड होते हैं वो डिजर्ट्स में चेंज हो जाते हैं. नेक्स्ट है लोकेशन. दिस रीजन इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द इक्वेटर बिटवीन 40 डिग्री नॉर्थ एंड 50 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड 40 डिग्री साउथ एंड 50 डिग्री साउथ इन द साउथर्न हेमिस्फीयर. दिस ग्रासलैंड आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज. यह नॉर्थ इक्वेटर एंड साउथ इक्वेटर में 40 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री 55 डिग्री नॉर्थ एंड ग्रासलैंड डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नामों से पाया जाता है, डिफरेंट नामों से जाना जाता है. डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में जो ग्रासलैंड होते हैं वो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं. द वेरियस ग्रासलैंड आर, यहाँ पे कुछ डिफरेंट प्रकार के ग्रासलैंड दिए गए हैं. फर्स्ट है प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड पाया जाता है उसको हम लोग प्रेरीज बोलते हैं. स्टीपीज इन रूसिया, रूसिया में जो ग्रासलैंड पाया जाता है उसको स्टीपीज बोला जाता है. पैम्पस इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में जो ग्रासलैंड पाया जाता है उसको पैम्पस बोलते हैं. वेल्ड इन साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाले ग्रासलैंड को वेल्ड बोलते हैं. डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ग्रासलैंड को डाउन्स बोलते हैं. डिड यू नो, क्या आपको पता था, प्रेरी इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स अ ग्रासलैंड. प्रेरी एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीन्स होता है ग्रासलैंड. द ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर हैव अ ग्रेट डिफरेंस फ्रॉम द साउथर्न हेमिस्फीयर. नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के ग्रासलैंड में साउथर्न हेमिस्फीयर के ग्रासलैंड से काफी डिफरेंस होती है.
The grasslands of northern hemisphere, that is the prairies and the steppes, lies in a higher latitude compared to the ones the southern hemisphere, that is the pampas, the veld and the downs. Thus, crop can only be grown in the warmer month in the northern hemisphere. नॉर्थन हेमिस्फीयर से ग्रासलैंड यानी प्रेरीज स्टेपीज, साउथर्न हेमिस्फीयर के पैम्पस वेल्ड एंड डाउन्स की कंपेरिजन में हायर लैटिट्यूड में स्थित होते हैं और इसमें क्रॉप ऑनली नॉर्थन हेमिस्फीयर में वार्मर मंथ में ही ग्रो की जा सकती है। यहाँ पे ऑनली वार्मर मंथ में ही क्रॉप को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। समर सीजन में ही यहाँ पे क्रॉप फसल जो होती है वो उगाई जाती है। नेक्स्ट है क्लाइमेट। टेम्परेट जोन में क्लाइमेट कैसा होता है इसको हम लोग देखते हैं। द ग्रास लैंड्स ऑफ द नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस डिफरेंट क्लाइमेट। इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर टेम्परेट ग्रास लैंड आर लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। Thus, the region has hot summer and very cold winters. Because of the cold temperature, crops cannot be grown here in winter. Southern and northern hemisphere के grassland different climate को experience करते हैं, feel करते हैं। Northern hemisphere में temperate grassland continent के middle में located होता है, इसलिए इन रीजन्स में हॉट समर एंड वेरी कोल्ड विंटर्स होती हैं, पाई जाती हैं। कोल्ड टेम्परेचर के कारण यहाँ पे जो क्रॉप्स होता है वो विंटर में ग्रो नहीं कर सकता है। यहाँ पे जो क्रॉप होता है, यहाँ का जो मौसम होता है वो कैसा होता है, बहुत ही कोल्ड होता है, इसलिए यहाँ पे विंटर के सीजन में क्रॉप को ग्रो नहीं कराया जा सकता है। द ग्रासलैंड इन द Southern hemisphere are however located on the edge of the continent. The climate in this grassland is modified by the sea and is milder. Summers are not so hot and winters are not so cold. Crops can be grown throughout the year in this grassland. Chinook is the moist warm wind blowing from the sea in the coastal region of the Pacific Northwest. Southern hemisphere में grassland continent के edge पर located होते हैं, यानी कि southern hemisphere में जो grassland होते हैं वो continent के किनारे पे स्थित होते हैं। इन grassland में क्लाइमेट सी के थ्रू मॉडिफाइड की जाती है और यहाँ मिल्डर समर इतना हॉट नहीं होता है और विंटर में इतनी कोल्ड भी नहीं होती है। इन ग्रासलैंड में पूरे साल क्रॉप ग्रो की जा सकती है। चिनूक एक ऐसा मॉइस्ट हॉट वाइन है जो पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट के सी रीजन से ब्लो होता है, यानी कि पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट के सी रीजन से ये क्या होता है, बहता है। Did you know, क्या आपको पता था, in the temperature grassland of the northern hemisphere the temperature goes up to 38 degree centigrade in summer and deep to 20 degree centigrade in winter. These grasslands receive 50 to 70 centimeter of rainfall annually. Northern hemisphere के temperature ग्रासलैंड में टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक और विंटर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इन ग्रासलैंड में एनुअली 50 से 70 सेंटीमीटर रेनफॉल ही होता है। साउथर्न हेमिस्फीयर के टेम्परेट ग्रासलैंड में टेम्परेचर ऐसे सीमा तक नहीं जा पाता जो पूरे ईयर में 18 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक रहता है। द टेम्परेचर ग्रासलैंड ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर रिसीव्स मोर रेन अप टू 100 सेंटीमीटर एनुअली। साउथर्न हेमिस्फीयर के टेम्परेचर ग्रासलैंड में एनुअली 100 सेंटीमीटर तक अधिक रेनफॉल होती है।
Southern wind often blow in grasslands because there are no mountains and trees so slow them down. The Burin is a strong northeastern wind storm off the steppes of Russia and Siberia. It brings blizzard in the winter and hot dust in the summer. तब यहाँ पे जो रेनफॉल होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है. स्ट्रांग वाइंड यहाँ पे अक्सर ग्रासलैंड को उड़ा देती है क्योंकि उन्हें धीमा करने के लिए माउंटेन एंड ट्री यहाँ पे नहीं पाई जाती है. बुरांस रूस की एंड साइबेरिया की सीढ़ियों का एक स्ट्रांग नॉर्थ ईस्टर्न वाइंड स्ट्रोम है. यह विंटर में ब्लिजर्ड स्ट्रोम एंड समर में हॉट डस्ट को लाता है. प्लांट लाइफ, यहाँ की प्लांट लाइफ कैसी होती है. द ट्रीज डेट एग्जिस्ट आर प्लांटेड बाय द फार्मर्स. दिस ग्रास लैंड वेरी इन साइज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. दिस एरियाज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इंटू टाल ग्रासेस एरियाज एंड शॉर्ट ग्रास एरिया. जो ट्री मौजूद है वो फार्मर्स के थ्रू लगाए गए हैं. यहाँ ग्रासलैंड कंट्री टू कंट्री अलग अलग होते हैं. इन रीजन्स को लॉन्ग ग्रास वाले रीजन में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है और ये स्मॉल ग्रासेस एरिया होते हैं. इन द प्रेरीज रीजन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका सिंस देयर इज अ मोर रेनफॉल द ग्रासेस आर टॉल. फर्टाइल सॉइल इज आल्सो अनदर मेन पॉइंट टू ग्रो द रूट्स ऑफ द ग्रासेस टू डीप इन टू द सॉइल एंड प्रोवाइड अ रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. स्मॉल लिविंग क्रिएचर्स सच एज वर्म्स एंड इंसेक्ट्स एडेड द रिचेस ऑफ द सॉइल. दिस प्लेस आर क्रिएचर्स सच वर्म्स इंसेक्ट ओल्ड द रिचेस ऑफ द सॉइल. दिस प्लेस आर होम्स आल्सो टू दिस क्रिएचर्स. वाइल इन द स्टेपीज सीन्स द कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट इंफ्लुएंस इज मोर सो ग्रासेस आर शॉर्ट. द डिफरेंट ग्रासेस कीप चेंजिंग कलर अकॉर्डिंग टू सीजन. इन स्प्रिंग द ग्रासेस इज ग्रीन वाइल इन समर इट इज थिक. इन एटमर इट इज ड्राई एंड इन विंटर इट डाइज. बट द रूट्स रिमेन बरीड इन द स्नो एंड अगेन ग्रो इन स्प्रिंग. अल्फालफा इज द मोस्ट कॉमन ग्रास हियर एंड इज फेड टू कैटल. इट आल्सो ग्रोज क्विकली. नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज रीजन में चूंकि अधिक रेनफॉल होती है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे जो ग्रासेस होती हैं वो ऊंची होती हैं. यहाँ पे फर्टाइल सॉइल बढ़ाने का एक और मेन पॉइंट है. ग्रासेस की रूट जो होती है ये सॉइल की गहराई तक जाती है और रिच न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करती है. स्मॉल लिविंग क्रिएचर्स जैसे वर्म्स एंड इंसेक्ट्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं. जो इंसेक्ट्स और वर्म होते हैं यहाँ पे ये सॉइल के रिचेस को जोड़ते हैं. ये प्लेस इन क्रिएचर्स के होम भी हैं. जबकि स्टेपीज कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट इफेक्ट अधिक होता है, इसलिए यहाँ पे ग्रास कम पाए जाते हैं. यहाँ पे घास की जो मैदाने होती है वो कम पाई जाती है. डिफरेंट ग्रासेस सीजन के अकॉर्डिंग कलर भी चेंज करती है. जो ग्रासेस होती है वो सीजन के अकॉर्डिंग अपने कलर को भी चेंज करती रहती हैं. स्प्रिंग में जो ग्रासेस होती हैं वो ग्रीन हो जाती है, जबकि जब समर सीजन आता है तो वो कैसी हो जाती है, सूख जाती है. और फिर जब विंटर आता है तो ये कैसी हो जाती है, ये डाई हो जाती है. बट इनका जो रूट होता है वो स्नो में बर्न में क्या होता है, बरिड होता है. बरिड में होता है दफन हुआ रहता है. और फिर जब स्प्रिंग सीजन आता है तो ये जो ग्रासेस होती है वो फिर से क्या करती हैं, ग्रो करने लगती हैं. अल्फालफा जो है यहाँ का सबसे कॉमन ग्रास है, इसलिए इसे मवेशियों को खिलाया जाता है. यह भी क्यूटली ग्रो करता है, यह भी बहुत जल्दी
ग्रो करता है। तो आज का आपका होमवर्क है, आज आप इस चैप्टर को रीड करेंगे और समझेंगे। आज का आपका क्लास यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू।